Hello my dear friends welcome back and you're watching English by Joseph ma'am i hope you all are fine and you all are learning to speak english fluently so my dear friends the first thing i would like to tell you all thank you so much for your support and love that you have subscribed and you're watching and sharing my videos and the most thing i want the important thing that i want to tell you all that when you are watching my videos please do not skip पहली चीज़ जब आप मेरी वीडियोस को आप देख रहे हो तो उसको स्किप मत करिए दूसरी चीज़ बहुत से लोग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करते हैं एंड देन दे आर लीविंग डजेंट मैटर आप छोड़ दीजिए कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम इफ अगर मुझे कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं मिले कोई बात नहीं मेरा काम तो चलता रहेगा माई वर्क विल बी गोइंग ऑन आई विल नॉट स्टॉप वॉट इज जो मेरा लक्ष्य है आगे बढ़ने के लिए वो मैं करती रहूँगी और आपको पढ़ाती रहूँगी चाहिए चाहे आप उसको सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए डजेंट मैटर मुझे उससे कोई भी मुझे दुख नहीं है बट हाँ मुझे खुशी है कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो डजेंट मैटर कि आप देख के सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर दे रहे डजेंट मैटर कोई बात नहीं मुझे उस चीज़ का को कोई भी मेरा मोटिव है आपको पढ़ाने के लिए जो मेरा लक्ष्य है कि आपको अच्छे से अच्छा दे सके इवन मैं उन बच्चों को मेरा जो लक्ष्य उन बच्चों के लिए है जो खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत ही जो ऐसे लोग हैं जो मतलब पैसे उनके पास नहीं हैं उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो लोग आगे की पढ़ाई के लिए दे सकें और अच्छे से अच्छे कोचिंग ज्वाइन कर सकें क्योंकि उनके उनका जो सपना है कुछ बड़ा बनने के लिए है तो उनको ये सब चीज़ें नहीं हैं उनके पास इसलिए वो पढ़ भी नहीं पाते ना वो बेहतर कोचिंग कर पाते तो मेरा लक्ष्य बस यही है कि उन उन जो इतने गरीब बच्चे हैं जो उन तक मैं पहुँच सकूँ इसलिए मैंने ये सब चीज़ों को किया है शुरुआत किया है उन बच्चों के लिए ही है बाकी आप मुझे मुझे बढ़ाते रहिए आगे आपका सपोर्ट चाहिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर सपोर्ट आई नीड योर सपोर्ट योर कोऑपरेशन समाइम्स अनदर थिंग मेरे जो वीडियोज़ हैं कभी कभी बहुत आजकल कल लेट्स में हो रहे हैं समटाइम बैक बिकॉज ऑफ द रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ नेटवर्क इशू द सेकेंड मोस्ट इम्पॉटेंट थिंग इज माई टाइम दिरज़ आई हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम विथ मी बहुत कम समय मुझे मिल पाता है करने के लिए सो बट टिल देन यू आर सपोर्टिंग मी थैंक यू सो मच फॉर देट आप ये सपोर्ट करते रहिए और मुझे बस आगे बढ़ाते रहिए ये चीज़ है ओके भाई डियर फ्रेंड्स आते हैं आज के टॉपिक पर आज का जो टॉपिक है सेंटेंस कैसे बनाए नो हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि हम डेली डेली जो सेंटेंस आप बन बोलते हैं इंग्लिश में जो हिंदी में खासकर जिनका हिंदी बैकग्राउंड है आप किस तरीके से, से सेंटेंस को आप वर्ड्स तो ऐसा नहीं कि आप वर्ड्स उठा उठा के पढ़ते हैं आप सीधे जो आपके मुंह पे आता है जो आपके लव्स में जो शब्द आते हैं आप उसको बोलते हैं mm. फ्लुएंटली आप बोलते हैं वाई बिकॉज यू हैव दैट सराउंडिंग बिकॉज योर सराउंडिंग इज टोटली यू आर स्पीकिंग इन हिंदी दैट इज़ द मेन पॉइंट सेकेंड थिंग यू नीड टू प्रैक्टिस एंड बिकॉज वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ यू हैव टू हैव अ बैकग्राउंड इफ़ यू वांट टू स्पीक फ्लूंटली आपको फ्लुएंटली बोलना सीखना है तो आपको क्या करना है आपको अपना बैकग्राउंड एक माहौल तैयार करना है इंग्लिश का सो नॉट ऑल आप इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू लाइक टू हैव सम्राउंड लाइक टोटल इंग्लिश ऐसा नहीं हो सकता इट्स नॉट पॉसिबल बट मेरा ये सजेशन है आप रीड आप बुक्स रीड करिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल जैसे आपके स्टोरी बुक्स आते हैं बच्चों के लेवल के स्टोरी बुक्स आते हैं रीड दैम इन दैट वट यू विल गेन यू विल गेन दैट आर स्मॉल मोकेबलरीज योर प्रोनाउंसिएशन विल इम्प्रूव यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लूंटली वर्ड्स आप वर्ड्स को अच्छे से बोल पाएंगे विदाउट एनी हेजिटेशन अनदर थिंक मैन इट कम्स टू स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द जो बहुत से लोग होते हैं जो अटक जाते हैं बोलने में इंग्लिश स्पीकिंग बिकॉज उनको समझ में नहीं आती कि कहाँ से शुरुआत करें कैसे करें तो आज का जो टॉपिक है मेरे सेंटेंसेस लेने के सेंटेंस को बनाए कैसे सेंटेंस को फॉर्म कैसे करें बहुत आप लोगों को लगता है कि बड़ा डिफिकल्ट है बट स्टिल इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट वट एवर यू आर स्पीकिंग यू हैव टू थिंक एवरी थिंग यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन योर माइंड आपको सब चीज़ें अपने दिमाग में रखना है और जब आप सब चीज़ों को सोचेंगे इंग्लिश में पूरे चीज़ों को सोचेंगे बहुत आसानी होगा कि आप उसको पेन डाउन कर सकें हाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है अब बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं आपको टेन डेज में सिखा दूंगी टेन डेज में सिखाऊंगा फ़ाइव डेज में आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। सो माई डियर फ्रेंड्स टेन डेज में फ़ाइव डेज में कोई जादू नहीं होता है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ इट इज़ टोटली रॉन्ग चीज़ बस क्या होता है कि आप दस दिन के अंदर टोटली मेहनत कर ले दैट्स इट इफ टेन डेज़ यू वर्क ऑन इट इफ़ इफ इफ यू मेक टेन वर्ड सेंटेंसेस छोटे छोटे सेंटेंस को आप टेन वर्ड में फॉर्म करके आप उसको बोलना सीखेंगे डेली डेली बोलेंगे देन ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू डू देट पर टेन डेज में कोई जादू फाइव डेज में नहीं होता यू हैव टू हैव इट अ प्रैक्टिस जो लोग बिल्कुल हिंदी बैकग्राउंड से जो लोगों को एक शब्द बोलना नहीं आता उनके लिए क्या पॉसिबल होगा नो no. ये गलत तरीका है तो जो लोग कहते हैं कि पाँच दस दिन में तो माई डियर फ्रेंड्स वो सब उस भ्रम में मच जाइएगा जो भी चीज़ें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप बोले द वे हाउ मच यू गिव योर सेल्फ द मोर यू विल गिव योर सेल्फ द बेटर यू विल बी एबल टू स्पीक लिसन स्पीकिंग लिसन एंड स्पीकिंग सुनना और उस चीज को बोलना सो माई डियर फ्रेंड्स तो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू सम द वर्ड्स आर समर्ड्स बहुत छोटे वर्ड्स है ये आपको पता ही है छोटे छोटे शब्द हैं अब इससे हम उसको सेंटेंस भी कैसे फॉर्म करेंगे अब यही चीज़ आपके लिए कि आप सेंटेंस को आप देखेंगे वर्ड्स और फिर इसको आप अलग तरीके से एक सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं तो बहुत ईजी है दिस इज़ अ वेरी आई थिंक इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल और उसको आप लिख करके और अलग दूसरे दूसरे वे में आप उसको बोल सकते हैं सो लेट इस बिगिन पहला वाला वर्ड इज सी सी मतलब क्या होता है देखना मैंने हिंदी में लिख रखा है सो so, आप चाहे तो उसको आप कॉपी कर सकते हैं या आप अगर आप न्यू हैं तो उसको आप जो न्यू मेरे चैनल पे पहली चीज़ तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा पहली चीज़ एंड अनदर थिंग प्लीज रिंग द बेल घंटी को बजाना मत भूलिएगा ओके सो मैं आपको ये बताना चाहूँगी अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उसको पॉज करके आप लिख सकते हैं अनदर थिंग आप ये पूरा राइट डाउन कर 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 सकते बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ ये वर्ड्स को डेली डेली आप यूज़ करते हैं ये सब वर्ड्स को सो so, पहला वर्ड क्या है आपका सी सी मतलब क्या होता है देखना अब देखने से क्या सेंटेंस बनाएंगे वो मुझे देख रहा है ये पहले आप यही बोलेंगे वो मुझे देख रहा है हम किसी को देख रहे हैं ठीक है हमको देखने जाना है हमको नई मूवी देखनी जानी है तो so, ये सब इतने सारे सेंटेंस हैं ना हाउ विल यू मेक दिस इन इंग्लिश हाउ विल कन्वर्ट इट इंग्लिश सो सी सी मीन देखना होता है ओके सो ना हाउ विल यू डू इट नाउ सेंटेंस बनाना है आपको आई लाइक टू सी यू अगेन हम आपको दोबारा देखना चाहेंगे आई लाइक टू सी यू अगेन आई लाइक टू सी यू अगेन हम आपको हम आपको मतलब दोबारा देखने की दोबारा देखना चाहते हैं ओके सो आई होप कि ये ये चीज़ें आप कर पाएंगे दूसरी चीज़ में आपको एक और आपको मैं आपको चीज़ बताना चाहती हूँ दैट अभी मैंने ये सेंटेंस बनाया सी आप मुझे एटलीस्ट कमेंट में ये बताइए मतलब मुझे भी आप अपना अपने तरफ से एक सेंटेंस और फॉर्म करके मुझे बताइए दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड आप मुझे कमेंट्स आप करके बताइए तो तभी मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही है सो आई वांट अनदर सेंटेंस ऑफ सी सी से दोबारा एक और सेंटेंस बना के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ओके नेक्स्ट इज हिम हिम उसे यू नो हिम कब यूज होता है हमने आपको बताया है मेल और फीमेल में अगर आप ही अगर आप आदमी की बात करें तो उसको आप क्या करेंगे आप उसको हिम बोलेंगे ना हिम यूज करेंगे नो हाउ विल यू मेक सेंटेंस आई आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू एव मैं उसे बात नहीं करना चाहता हूँ मैं उसे बात नहीं करना चाहती हूँ ओके गो एंड टैलम और भी सेंटेंस आप बना सकते गो एंड टैलम जाके उसको बोलो जाके उसको बोलो गो एंड टैलम सी आई हैव अ ब्यूटिफुल ड्रेस फॉर यू देखो मैंने एक तुम्हारे लिए एक ड्रेस लेके आया हूँ या आया हूँ ना नेक्स्ट वन इज़ डे डे का क्या होता है हिंदी दिन ना हाउ विल यू राइट दिस दिन दिन पूछा ना टुडे इज़ अ ब्यूटिफुल डे टुडे इज beautiful डे आज का दिन बहुत अच्छा दिन है टुडे इज़ अ ब्यूटीफुल डे सो दीज आज इस तरीके से आप वर्ड्स को लिख सकते हैं और उसको आप बना सकते हैं लिख करके द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू हैव दो थिंग्स एंड माइंड जो भी आप वर्ड्स को आप कोशिश को, आप वर्ड्स को सोचिए और फिर आप इंग्लिश में ही सोचिए उस वर्ड्स को जितनी भी चीज़ें आपका माहौल वही मैं बता रही हूँ कि आपका जो इन्वामेंट है इस चबी फुल टोटली इंग्लिश आप इंग्लिश में आप हर चीज़ को इंग्लिश में सोचिए देन ओनली इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मेक सेंटेंसेस एंड आई एम वेरी श्योर आई एम नॉट गारंटिंग यू बट आई प्रटी शोर दैट यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली एंड यू विल बी एबल टू सेज वर्ड इस सेंटेंसेस को आप आराम से पढ़ भी सकते हैं इंग्लिश में आई लाइक टू सी यू अगेन आई लाइक टू सी यू अगेन आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हिम मैं उससे बात नहीं करना चाहती हूँ टुडे इज अ ब्यूटिफुल डे Today is a beautiful day. So in this way, you can say these words and you can improve your English. Next is my. My my means what? My. My train is late. My train late. My. ट्रेन इज लेट लेट माई ट्रेन इज लेट मेरा ट्रेन लेट है नेक्स्ट इज नाइट नाइट द वर्ड इज नाइट नाइट का क्या होगा उसका मतलब हिंदी में क्या होता है रात इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल नाइट इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटफुल नाइट आज का रात बहुत अच्छा होने वाला है इट इज गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल नाइट अब जैसे पार्टी में जा रहे हो तो बहुत पार्टी में धूम धड़ाका होने वाला है किसी की बहुत ही बेस्ट की बेस्ट की शादी मतलब बेस्ट फ्रेंड की शादी है तो उसमें बहुत ही मतलब मजा होने वाला है तो बहुत खूबसूरत रात होने वाली है तो इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल नाइट रूम रूम मतलब होता है कमरा नाउ इफ इट बीस अगर यहाँ से रूम्स बोलेंगे तो रूम्स मतलब एक से ज्यादा रूम्स है बट इट इज रूम सो वन रूम एक रूम पर्टिकुलर एक रूम की बात हो रही है अब उसका हिंदी में क्या है कमरा माई रूम इज ब्यूटिफुल माई रूम इज़ ब्यूटफुल मेरा कमरा बहुत खूबसूरत है आई कैन दन अनदर वे आप सेंटेंस में बना सकते हो आई हैव टू रूम मेरे पास दो कमरे हैं माई रूम आर वेरी बिग मेरे कमरे बहुत बड़े हैं देर आर मैनी सेंटेंस इन दैट यू कैन मेक सो आई वॉन्ट टू वट टू डू इज देट यू हैव टू आई हैव रिटन वन सेंटेंस मैंने एक सेंटेंस को बना के आप, आपके सामने रखा हुआ पेश है पेश किया है माई रूम इज़ ब्यूटिफुल नाउ यू मेक वन अनादर सेंटेंस ऑफ दिस वर्ड एंड प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स आप मुझे कॉमेंट में बताइए आप दूसरा सेंटेंस मुझे मुझे बताइएगाट आई लाइक टू ईट आई लाइक टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड आई लाइक टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड मुझे नॉन वेजिटेरियन मतलब मांसाहारी खाना बहुत मतलब खाना पसंद है अगर आप नॉन अब मांसाहारी में आपको बता दूँ नॉन वेजिटेरियन का मतलब होता है जो इंसान जो मतलब मांस खाते हैं जैसे चिकन हो गया मटन हो गया तो डैट इज़ कॉल्ड उनको बोलते हैं नॉन वेजीटेरियन अगर आप शाकाहारी या सब्ज़ी खाने वाले तो उनको बोलेंगे वेजिटेरियन ओके सो आई लाइक टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड आई होप आई एम क्लियर टू यू ओके सो नेक्स्ट इज बिगिन द नेक्स्ट वर्ड इज बिगिन मतलब बिगिन मतलब क्या होता है शुरू करना बिगिन मतलब होता है शुरू करना बिगिन मीटिंग लेटर्स बिगिन द मीटिंग लेटर्स बिगिन द मीटिंग चलो मीटिंग को शुरू करते हैं मि, जो जैसे मीटिंग होते हैं ना जैसे कई मीटिंग एनी थिंग जो आप कोई चीज़ों को शुरू करना सो बिगिन लेट अस बिगिन द पार्टी लेट अस बिगिन द मीटिंग सो आई हैव सेड आई हैव रिटन दिस सेंटेंसेस आप कोई दूसरा सेंटेंस बना बनाइए और मुझे बताइए नाउ व्हेन व्हेन मतलब होता है जब

आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा आपने ये बोला कि जब मैं आया था तो तुम सो रही थी जब मैं ऑफिस से आया तुम सो रही थी तो मैंने चाय बना ली अपने आप से इज इट क्लियर सो दीज दीज मतलब होता है इन नाउ बुक्स आर नॉलेजेबल दीज बुक्स आर नॉलेजबल मतलब इन जो किताब इन किताब जो है इससे बड़ा ज्ञान मिल सकता है मतलब ये किताबें जो है ज्ञान वाली किताबें हैं सो दीज बुक्स दीज मतलब मैंने आपको बताया है मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका है दीज दोज डेट एक वीडियो में आपने देखा होगा मैंने आपको मैंने बना बना रखा है इसमें so, मतलब सो दीज मतलब होता है एक सौ ज़्यादा किताब की बात हो रही है सो दीज बुक्स नॉलेजबल मतलब ज्ञान देने वाली किताबें हैं सो आई होप ये आपको आपको ये वर्ड जो है आपके लिए अच्छा रहेगा और अच्छा है कि मतलब ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप इन वर्ड्स से और भी शब्द को करके बना सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आई होप ये आपका वीडियो जो मैंने बनाया है आपके लिए लाभकारी होगा और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे कीप ऑन प्रैक्टिसिंग कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश टिल देन सी यू अगेन गुड बाय गॉड ब्लेस यू ऑल